हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आई हूँ मम्मी के पास, यानी मेरा घर यानी मायके। तो यहाँ जो है मैं रही काफ़ी दिन, हफ्ता 10 दिन हो गया लगभग, लेकिन सोचे चलो ब्लॉग बनाते हैं, आप लोग को यहाँ का भी कुछ बताएं। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भी गर्मी है, 41 डिग्री चल रहा है, और मम्मी स्कूल से आई हैं लगभग 12 बजे। क्या लेके आए? मछली मछली दिखाई, देखो। वाह मम्मी, मजेदार। तो मम्मी स्कूल से आती हैं तो जो भी सामान होता है घर का वो लेते आती हैं। तो यहाँ पे तरबूज लेकर आई थी और लाइट तो थी नहीं, बट फिर भी फ्रिज में डाल दिए थे। और यहाँ पे ये मेरी सिस्टर है, बुआ की लड़की, तो जो फिश लाई थी ये इसे बना रही है। ये देखिए, ये बैठी कहलाता है, वैसे हम लोग चाकू से यूज़ करते हैं, बट ये बैठ के अच्छे से क्लीन करेगी। फिर यहाँ मम्मी को लग गई थी भूख जो स्कूल से आई थी, तो ये खुद ही यहाँ पर बना रही हैं रोटी। काफ़ी धूप रहता है यहाँ पे, अभी बिहार में बिहार की भी स्थिति काफ़ी ख़राब है। किसमें अच्छा तावा है, मोटा भी है, अच्छा भी है, बहुत अच्छे भागेंगे। कहाँ मिली है? मौसी खरीद दी हमें, मंगवा। मौसी को कितना बार बोले हमको अच्छा वाला ला दीजिएगा। देखिए क्यों नहीं ले जाएंगे, वहाँ तवा भी अब पतला हो गया है, खराब हो गया। बोले पूछ ना, बोले कि खुशबू आएगी तो हल्ला करेगी, तवा जल्दी है बोले क्या। चलिए ठीक है, आप करिए तब तक नाश्ता। 12 बजे नाश्ता हो रहा है मम्मी का स्कूल से आने के बाद। मंगाए हैं बेडशीट अमेजोन से, तो मम्मी आई है, देखिए उनको पसंद आता है कि नहीं। कैसा है? उल्टा उल्टा उधर उधर से खुलेगा, दोनों वाइट है ये कलर में। तो यहाँ मम्मी जो है बेडशीट को देख रही हैं, ये है क्वीन साइज़, लेकिन हम चाह रहे थे कि डबल बेडशीट हो। तो मम्मी को एक पसंद आया, एक हम रिटर्न किए थे, और ये दोहर भी हम मंगाए थे अमेज़ॉन से। मैं ऑर्डर करी थी लगभग 4-5 डेज़ बिफोर, तो आ गया था। तो ये मैं जिस दिन ब्लॉग बना रही हूँ ना, उस दिन ये आया था, तो ये भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद ये थोड़ा प्रोसेस चल रहा है दही बड़े का, और आज हम लोग का मूड हुआ दही बड़े खाने का, तो बस ये यहाँ पर हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। सीटा पर रहने कपड़ा, देखो कितना उसका पलता। हाँ नितिन करते कढ़ाई में, अब क्या किए, कढ़ाई में भड़का हो गया, एकदम विखंडित हो गया। अरे नमस्ते, अल्लाह में गया मेरा, क्या मैं पढ़ा दिए। और ये हो गया था लंच टाइम, लगभग 4 बज रहे थे और हम लोग लंच अभी कर रहे थे, और खाना बन गया था, चावल दाल वगैरह था, और यहीं पे सब कोई लेके हम लोग बैठे थे, और यहाँ पे हम लोग का लंच हो रहा है। हम लोग का लंच हुआ, फिर सत्तू का प्रिपरेशन हो रहा है, क्योंकि भाई बाहर रहता है, तो वो लोग ऑर्डर किया कि मुझे सत्तू चाहिए, तो यहाँ पर प्रिपरेशन्स चल रहे हैं। ये शाम हो गया था ऑलमोस्ट, तो यहाँ मम्मी जो चना है इसे अच्छे से क्लीन कर रही हैं। तैयारी हो गया, तैयारी अभी हो रही है, मौसम हुआ ठीक, हवा तो बहुत तेज जमती है पटना में, सामने में स्टेशन के सामने होटल में सिलेंडर फट गया, आग लग गया, ये लोग मर गया आग लग गया, मेरे मर गया। यहाँ 41 डिग्री जो है अभी, कल जमती है बहुत है, 12 से 3 बजे तक अलर्ट किया, घर में रहना, घर के बाहर लग रहा है। हाँ, हम लोग एक जुगाड़ लगाए हैं, देखिए ये पहले जो होता था जाता हुआ करता था उसमें होता है, बट अभी तो जाता है नहीं, मतलब कहीं खो गए हम लोग के घर से। तो ये जो उखली में हम लोग ने छांटा था उसी से जो है चने के ऊपर डालने से ये भी क्लीन हो रहा था, मतलब जो भी उसके भूसा है वो क्लीन हो जा रहा था। तो यहाँ पे जुगनू कर रही हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है, मेरी सिस्टर हुई, और ये मैं भी बोली चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा मैं भी मदद की हूँ। और फिर मैं छत पे गई और यहाँ पे थोड़ा क्लीनिंग चल रहा था, गेहूँ मतलब निकाल रही थी मम्मी। तो ये शाम ऑलमोस्ट होने को था, मगरिब के टाइम होने को था, और यहाँ पे शाम हो गई थी। मम्मी मॉर्निंग उठी थी स्कूल के लिए, तो वो क्लीन कर ली थी गेहूँ, और ये दोपहर फिर वो स्कूल से आई, तो जो भी बचा हुआ था
थोड़ा सा, तो इसे वो क्लीन कर रही हैं। ये भी सारी 11 टाइम हो रहा है और ये देखिए क्लीन हो चुका है। अब ये जाएगा मशीन में, यहाँ पे है, और पिसाएगा, उसके बाद फिर भिजवाया जाएगा नायब शादाब के लिए जो कि बाहर अभी रह रहा है। और एक आंटी आई हुई थी, यहीं बगल की हैं, तो सबको ही मिल के यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। बिहार में इतनी ज़्यादा अभी गर्मी हो रही है ना, तो दिन भर रेस्ट होता है और सुबह शाम ही जो काम होता है हम लोग करते हैं। तो ये था फाइनल लुक, और फ्राइडे था आज के दिन, तो हमें जा रहे थे बुआ के घर यानी जुगनू के घर। हम लोग आ गए बुआ के घर। क्या रे, अरे तब बुआ आए। ये जुगनू, ये रोजी, ये कौन है, अरे कहाँ गई, गेरानो रूही, हे लाइट गेले। ये बुआ हम लोग आए घूमने के लिए, क्या रे घीच के लेके आई हमको, चल। यहाँ बुआ से मिले, बहुत सारी बातचीत हुई, एक आध घंटा रुकी, फिर डिनर यहीं बन रहा था हम लोगों का। और यहाँ बगल में शादी भी हो रही थी, और ये जो सिस्टर लोग हैं खाना वीना बना दी थी, और घर में लेके आ गई थी खाना, यहीं पे खाई थी रात में डिनर। तब आ गए हैं बुआ के घर से। और मम्मी आप क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या बजे पहुँचे, अभी 10 बजने वाले हैं, खाना पीना लेके आए। बुआ बोली खा ले, हम बोले नहीं नहीं वहीं पे खा लेंगे, रात हो रहा है ज़्यादा। तो ये था हमारा गांव का ब्लॉग, ये फर्स्ट ब्लॉग मैं डाली हूँ, तो आप लोग को कैसा लगेगा बताइएगा कमेंट करके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।